हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेशन राउंडर में। तो आज एक और प्रॉपर्टी अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट फ्लोर, लेकिन सेक्टर पूरी तरह चेंज, नोएडा सेक्टर 86 लोकेशन है ये। लेकिन अगर मेट्रो स्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 83 जो मेट्रो स्टेशन है मुश्किल से यहाँ 500 मीटर की दूरी पर है। इंडस्ट्रियल एरिया की आप बात कर लो, पीछे ही मेरे सामने इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये कोई ऐसा नहीं नॉर्मल फैक्ट्रीज है, एक रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है सारा का सारा। और अगर आप हाईवे या रोड्स की बात करो तो अच्छी खासी चौड़ी रोड्स हैं। आप ऐसा नहीं है रोड के नाम पे आपको एक नॉर्मल सिंगल लेन सड़क दिख रही है, यहाँ पर प्रॉपर डबल उसमें डिवाइडर देखिए, वहाँ पर प्रॉपर रोड है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। अप्रूव्ड की ज़रूरत इसलिए है कि नोएडा में हमेशा प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी टेंशन रहती है। लोग, मैं फ्री होल्ड भी डालता हूँ, लोग कहते हैं सर कोई ऐसी चीज़ लाओ कि मतलब जिसमें टेंशन ना हो, तो इसीलिए मैं बीच में आजकल अप्रूव्ड की काफ़ी चीज़ें ला रहा हूँ। तो अभी भी मिस्टर मुजाहिद है जो मुझे इस पर पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर। ये अप्रोक्स 94 गज की शायद या 90 मीटर की होगी, ये अभी पता चल जाएगा। तो उनके साथ अभी डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट फ्लोर पर आ गया हूँ, सेक्टर 86। ये सामने इंडस्ट्रियल एरिया है जो आप देख रहे हो पूरा 83 का, क्योंकि मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से आधी किलोमीटर पे ही है। और मिस्टर मुजाहिद हैं जिनसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। गुड मॉर्निंग मुजाहिद जी, कैसे हो? बस बढ़िया, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ मिलना हुआ है। तो मुजाहिद जी, मैंने जो कि मैं जानता हूँ आपसे, तो जब मैं मिलता हूँ हमेशा फोकस वही रहता है अप्रूव्ड चीज़ लानी है। तो अभी लास्ट हमने काफ़ी पहले अथॉरिटी के प्लॉट्स भी किए थे आपके साथ, अभी मुझे अब ये बताइए इसके बारे में, पहले इसकी लोकेशन समझाइए इस प्रॉपर्टी। आपका जो लोकेशन है, ये जो सेक्टर है 186 सेक्टर में, ये आपको 86 हाँ 86 सेक्टर हाँ, और ये जो है 94 मीटर का प्लॉट है जो कि B+3 बना हुआ है। इंडिपेंडेंट मतलब बना हुआ नहीं है, बन ही रहा है, कंप्लीशन काम चल रहा है इनका। हाँ हाँ। और बाकी लोकेशन वाइज आप देखो तो यहाँ पे मेट्रो जो है आपका नियर बाई सेक्टर 83 का मेट्रो है। कितनी दूर होगा यहाँ से? सर 500 मीटर की दूरी पे है, आधी किलोमीटर। हाँ, आधी किलोमीटर की दूरी पे आपका मेट्रो मिल जाएगा। 83 तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया भी है यहाँ पर, बढ़िया वाला। और ये जो है सारे बीचों बीच इंडस्ट्री के बीच में है। अगर आप दादरी रोड देखें तो यहाँ से वही 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है NSEZ जो है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया, जो यहाँ से बिल्कुल नियर बाई है। अच्छा, बाकी यहाँ पे नियर बाय में आपको सिटी बस टर्मिनल भी है जो कि उसके ओपनिंग कुछ दिन में होने वाली है। Okay. जो भी नोएडा की बस आएंगी सारे वहीं से निकलेंगी, तो उस एरिया का जो है बहुत ही बढ़िया है। तो ये पार्किंग के लिए आप देंगे पोर्शन नीचे वाला, स्टील प्लस ये जो है 3 है आपका। ये क्या है, ये एंट्री ऊपर जाने के लिए है, जो आप सीढ़ी है इनसे बना हुआ, नीचे में एक रूम बना हुआ है। अच्छा, ये किसके लिए होगा? ये मान लो सर्वेंट के लिए हो, जैसे भी हो, या किराए पे अगर देना चाहो तो आप किराए पे दे सकते हो सिंगल पर्सन को। तो लिफ्ट का अरेंजमेंट नहीं, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है इसमें। अच्छा, इस फ्लोर इसमें लिफ्ट नहीं है, बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है। अच्छा, तो तीन फ्लोर तक। अच्छा, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो मुजाहिद जी, ये सामने स्कूल है? हाँ, ये स्कूल है इनका, इधर का सेक्टर 86 का नियर बाय स्कूल है आपका। अच्छा, हॉस्पिटल भी बहुत, माउंट व्यू पब्लिक स्कूल। हाँ हाँ हाँ, बाकी नियर बाय आपका स्कूल है यहाँ पे। अच्छा हाँ, और मेट्रो को आपका जो है नियर बाय है। हाँ हाँ, चलिए। तो दोस्तों, अभी हम इसके फ्लैट के अंदर आ गए हैं। तो सर, ये कितने BHK का है? ये 2 BHK का, ईच फ्लोर 2 BHK का, 2 BHK का है। इसमें आपका एक हॉल आ जाएगा, बाकी 2 रूम, फिर बैक में आपका एरिया जो ग्रिल वाला एरिया होता है। 2 रूम। अच्छा, ये रूम है आपका, ठीक है। और इसका जो बाथरूम है आपको बाहर की साइड है, एक ये बाथरूम है, एक दूसरी साइड का बाथरूम। अच्छा, एक बाथरूम इधर है। हाँ, ओके। इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। स्पेस काफी दिया हुआ है आपने। और पीछे जो है वेंटिलेशन का एरिया है ये। अच्छा, एक वॉशरूम ये है, जो NDA का प्रावधान है ना, पीछे जो एरिया छोड़ना पड़ता है। हाँ, वाला वेंटिलेशन का। अच्छा, ये वो है, ये सामने मेट्रो है। हाँ, ये सामने मेट्रो है, और ये आपका पीछे बरातघर भी लगता है। अच्छा, ये बरात सेंटर है। अच्छा, और ये सामने वाला जो है मेन रोड है, जो आपको इधर की तरफ है, एक्सप्रेसवे की तरफ लेके जाता है। समझ गया। एक रूम आपका ये है, दूसरा रूम जो है आपका है ये। अच्छा अच्छा, उधर इधर तो एग्जिट है, लेकिन हमें इधर वाले पे। और एक यहाँ पे आपका किचन है, किचन ये रही। और आप इसमें लगा के क्या क्या देने वाले हैं?
इसमें जो नॉर्मल लगा होता है फैन लाइट ये सब आपको एग्जॉस्ट फैन ये सब सारा लगा हुआ मिलेगा। ये आपका जो है एक बालकनी है फ्रंट की तरफ। अच्छा, और वो देखो सामने जो है वो मेन रोड है जो कि आपको दादरी की तरफ भी लेके जाएगा, मेन रोड की तरफ, प्लस आप इधर से क्या बोलते हैं बोटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हो। अच्छा, बोटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन भी जा सकते हो, और उसके बाद जो है आप इधर चाहो तो परी चौक भी यहाँ से आप जा सकते हो इजी वे में। तो ये जो है आपका ये इंडिपेंडेंट फ्लोर जो है ये कितना बताया, कितने गज में? ये 94 मीटर में, 94 मीटर में है। तो ये अप्रूव्ड है अथॉरिटी वाला? हाँ, अप्रूव्ड है। इस पे लोन नेशनल बैंक कर देगा? नेशनल बैंक आपको 80-90% लोन कर देगा, क्योंकि ये न्यूली बिल्ड है तो इसमें तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? इसकी कॉस्ट जो है एक साथ का इसका डिमांड है, नेगोशिएबल है, जो भी होगा ऑन टेबल आपका नेगोशिएबल हो जाएगा जो हम आपकी मीटिंग कराएंगे। बाकी आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई आएंगे तो उसके लिए और भी सम्मान रखा जाएगा और भी प्यार दिया जाएगा हमारी तरफ से, जो भी होगा तो हम लोग बैठ के कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेट्स सी। ओके, थैंक यू।